फ्रेंड्स, हमारी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन भारत के लिए और भी अहम है। एक अनुमान है कि भारत में 24-25 घर है, हम क्लीन कुकिंग उसको कैसे आगे बढ़े। मैं समझता हूं हमारे स्टार्टअप के लोग भी इस काम को बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए सोलर चूल्हे के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा मार्केट है जो क्लीन कुकिंग मूवमेंट के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा गुजरात में एक सफल प्रयोग हुआ था, पानी के जो कैनाल्स है, नहर है, उस पर हमने सोलर पैनल लगाई, जमीन का खर्चा बच गया, पानी की बचत हो गई, बिजली भी उत्पादन हुई, यानी मल्टीपल बेनिफिट हुए। ऐसे ही प्रयोग अब देश में अन्य जगहों पर नदियों में, झीलों में भी किया जा रहा है, हमें इसको भी और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। एक और काम घरों में किया जा सकता है, घर में जहां बाग बगीचा होता है या फिर बालकनी होती है, क्या हम जो गार्डनिंग का कंसेप्ट है उसमें एक सोलर ट्री, हर परिवार का अपना एक सोलर ट्री हो, वैसा एक नया कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं जो घर की 10-15% भी बिजली में वो सोलर ट्री मदद कर सकती है और घर की पहचान भी बन जाएगी कि भई ये सोलर ट्री वाला घर है, यानी ये एनवायरमेंट के प्रति जागरूक नागरिकों का घर है। एक समाज में विशेष क्रेडिबल सोसाइटी के रूप में हम डेवलप हो सकते हैं और इसको बड़ा इजीली और बड़ा ब्यूटीफुल भी बनाया जा सकता है। तो सोलर ट्री के कंसेप्ट को मैं तो हमारे जो कंस्ट्रक्शन और की दुनिया के लोग हैं, बिल्डर लोग हैं और आर्किटेक्चर हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि घर के कंस्ट्रक्शन में एक नया तरीका हम जोड़ सकते हैं क्या।